हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर तिवारी सर एंड अगेन यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर लेक्चर ऑफ साइंस 2। इन द प्रीवियस लेक्चर यू डिड ऑल अबाउट ग्लाइकोलिसिस एंड एरोबिक रिएक्शंस। नाउ दिस इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। सी स्टूडेंट्स, सो मेनी ऑर्गेनिजम्स आर देयर, बैक्टीरिया, सम प्लांट्स एंड सो मेनी अदर ऑर्गेनिज्म आर देयर। In the absence of oxygen, they perform anaerobic respirations. Even some plants are there, while the level of oxygen is depleted, they perform anaerobic respirations. कुछ ऑर्गेनिज्म जिनमें मतलब कभी कभी क्या होता है, जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं रहता, कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, इवन हमारे बॉडी के अंदर भी anaerobic respiration होता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है, let us see that one. See students, anaerobic respirations भी glycolysis process के through ही होता है। Anaerobic respirations जो होता है glycolysis process के through होता है। इसमें क्या होता है students, ध्यान से देखना। जो aerobic respirations होता है, that means there is oxygen, oxygen is present in that situation, और वहाँ पे जो glucose होता है वो completely oxidized हो जाता है। But anaerobic respiration में जो होता है, glucose completely oxidized नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। ऑक्सीजन के डिप्लेशन में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो ग्लूकोज होता है उसका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। ऑब्वियसली जब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगा, और वो सिचुएशन में ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में क्या होता है, पायरुविक एसिड बनता है, पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है और वो पूरा प्रोसेस होता है। यहां पर ध्यान देना स्टूडेंट्स, पायरुविक एसिड जो होता है, यहाँ पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन में कोई भी चीजों का फर्मेंटेशन होता है। व्हाट इज फर्मेंटेशन? व्हेन पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक एसिड्स एंड अल्कोहल्स। डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिक एसिड्स बनते हैं, और अल्कोहल्स के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फेमस विनोइंग फर्मेंटेशन से देखो, हमारा विनेगर वगैरह बनता है, ईस्ट बनता है, सो मेनी प्रोडक्ट्स आर देयर व्हिच आर produced by the fermentation process, right? And organic acids or alcohol बनते हैं, these are the fermentation process. Okay students, तो fermentation में होता क्या actually? Fermentation में देखो बहुत सारे seeds होते हैं। Seeds को जब हम जमीन में मिट्टी के अंदर डाल देते हैं, when they are submerged in the soil or inside the water, even their germination process is continuously on. वो जर्मिनेट होते रहते हैं, बट ड्यूरिंग दिस जर्मिनेशन दे नीड एनर्जी, एंड हाउ डू दे गेट एनर्जी? दे डू द एनएरोबिक रेस्पिरेशन, दे डू द एनएरोबिक रेस्पिरेशंस, एंड बाय दैट दे प्रोड्यूसेस देयर रिक्वायर्ड एनर्जी। एंड स्टूडेंट्स, समटाइम्स सी व्हाइल वी डू हैवी एक्सरसाइज और व्हाइल वी आर रनिंग एंड व्हाटएवर, देन एट दैट टाइम व्हाटएवर वी आर ब्रीदिंग, we are short of oxygen. At that time, in our muscle cells, anaerobic respiration is performed. At that situation, when anaerobic respiration is performed, at that time also fermentation happens, and at that time the organic acid called lactic acid is produced. ठीक है ना? तो जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है उसके कारण हमारे बॉडी में, हमारे मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं एंड वी फील टायर्ड। ठीक है, तो ये होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशंस, और इस तरह से हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में, जैसे बैक्टीरिया हो गए, सम फंगस हो गए, उनमें क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशंस होता है। इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? समटाइम्स क्वेश्चन, व्हाई वी फील टायर्ड व्हेन वी डू हैवी एक्सरसाइज और व्हाइल रनिंग? The simple answer, while running or while doing heavy exercise, we feel short of oxygen. At that time, our muscle cells perform anaerobic respirations. Our muscle cells perform anaerobic respirations, and at that situations, lactic acid is produced inside the muscle cells, and because of that lactic acid, we feel tired and pain, and our muscles have some cramps, and it is naturally after some time eliminates, and when this lactic acid dissolves inside the blood stream, it is an excretory materials,
एंड वी फील अगेन फ्रेश। सो इट नॉट परमानेंटली कि परमानेंटली हमको प्रॉब्लम ही होता रहेगा, हमारे क्रैम्प्स आ जाएंगे या हमको थकान लगेगी। देखो आप बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हो तो ऐसा लगता है कुछ टाइम बाद कि हमारे मसल्स में थोड़ा पेन हो रहा है, 2-4 मिनट 5 मिनट्स के लिए आप ब्रेक ले लोगे, उसके बाद यू विल फील बेटर। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे होता है ऐसे, दिस इज कॉल्ड एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। आई होप आपको एनएरोबिक रेस्पिरेशन समझ में आया होगा। नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। Now students will see that energy from different food components. हम बहुत सारे food components खाते हैं और उससे अलग अलग चीज की तरह energies बनती हैं। सबसे पहले हमने glucose का तो देख लिया। Glucose के बाद में जो proteins होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? We get it from our digested food and it is absorbed by the blood streams through the from the small intestine. And this digested protein, it is converted into amino acids. और जो ये amino acids होते हैं blood के through हमारे different different body organs के पास जाते हैं, वो blood stream में dissolve होते हैं and it reaches to different different body organs and all body organs according to their need and according to their requirements they convert those amino acids into their respective proteins. मतलब जब ये अमीनो एसिड ब्लड में डिसॉल्व होके पूरे सेल्स में जाते हैं तो हमारे बॉडी के जिस आर्गन को जिस भी टाइप का प्रोटीन चाहिए रहता है वो उसमें कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल स्किन किस में कन्वर्ट करता है? अमीनो एसिड जो हमारे स्किन में आता है, स्किन उसको मेलानिन और केराटिन में कन्वर्ट कर देता है बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड बाय द स्किन। इसी तरह से बोन्स है, बोन्स ओसिन में कन्वर्ट कर देता है, इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। ब्लड अमीनो एसिड को किसमें कन्वर्ट कर देता है? ब्लड कन्वर्ट्स इट इनटू हीमोग्लोबिन एंड एंटीबॉडीज। तो ब्लड में जो अमीनो एसिड कौन से फॉर्म में प्रोटीन में मिलता है? इट इज इन फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन एंड एंटीबॉडी। सिमिलरली मसल्स में किस फॉर्म में होता है? इट इज इन फॉर्म ऑफ एक्टिन एंड म्यूसिन। एंड पेनक्रियाज में किस फॉर्म में होता है? इन फॉर्म ऑफ इंसुलिन एंड ट्रिप्सिन। दे आर द एंजाइम्स व्हिच हेल्प इन द डाइजेशन। And all you know about the insulin is to insulin controls our blood sugar level. इसी तरह cells होते हैं, cells में भी बहुत type के cell membrane होता है, यहाँ पे बहुत सारे type के proteins convert होते हैं। इसी तरह से हमारे जो है pituitary glands होती है वो proteins को amino acid में किस में convert कर देती है? Pituitary glands converts into various types of hormones. इस तरीके से जो एनर्जी होता है प्रोटीन्स अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड इज कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द डिफरेंट ऑर्गन्स। अंडरस्टूड? जस्ट नोट डाउन दिस फ्लो चार्ट, देन वी प्रोसीड फर्दर। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी सीन अबाउट द ग्लूकोज, देन प्रोटीन्स, नाउ अबाउट द फैट्स। स्टूडेंट्स एक्चुअली जो लिपिड होता है, एक्चुअली इट इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। इट इज अ स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बिटवीन अ फैटी एसिड एंड अल्कोहल एंड इट फॉर्म्स अ लिपिड। व्हेनेवर वी ईट, दैट फैटी एसिड इज अब्सॉर्ब्ड इन द ब्लड स्ट्रीम एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू लिपिड्स। जो भी हम खाते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में एज अ फैटी एसिड अब्सॉर्ब हो जाता है और वो फैटी एसिड अल्कोहल के साथ में जो एंजाइम्स होते हैं उनके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिपिड में कन्वर्ट होता है। दीज लिपिड्स आर वेरी यूजफुल इन आवर बॉडी। ये लिपिड्स अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स में अलग अलग फंक्शंस होते हैं। लेट अस सी सम एग्जांपल्स। आप देखो जो लिपिड होता है ये एक टाइप का है फॉस्फोलिपिड्स। इट इज कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोलिपिड्स एंड दिस फॉस्फोलिपिड इज यूजफुल टू construction of or making of plasma membrane. ठीक है? In the same way, fatty acids also produce a different type of hormones. Fatty acid is also produces different type of hormones. And see some examples are written here: progesterone, estrogen, testosterone, etc., etc. And you have all done it in 9 standard types of hormones. And students, it is also very useful. You must be knowing about the nerve cells. नर्व सेल में एक्सॉन होता है,
यू जस्ट विजुअलाइज द डायग्राम ऑफ एक्सॉन यू हैव डन इन 9th स्टैंडर्ड, जो उसका आउटर कवरिंग होता है एक्सॉन का, इट इज मेड बाय द फैटी एसिड. आउटर कवरिंग ऑफ एक्सॉन, व्हाट इज एक्सॉन? इट इज अ पार्ट ऑफ नर्व सेल्स जो ऊपर सेल्स में होते हैं ब्रांच पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड एज एक्सॉन. उसका जो कवरिंग होता है वो फैटी एसिड से बना होता है. इसके साथ साथ अब देखो, जो भी फैटी एसिड हम ले रहे हैं तो कुछ तो यूज हुआ. सपोज हम एक्सेस में फैट्स ले रहे हैं तो वो क्या होता है, एक्सेस में लिपिड हमारे बॉडी में जाता है तो फैटी एसिड जो होता है वो लिपिड में कन्वर्ट हुआ है एंड दोज एक्सेस लिपिड्स आर स्टोर्ड इनसाइड द एडिपोज टिश्यू. वो जो एक्सेस लिपिड्स होते हैं जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज से एडिपोज टिश्यू उसमें जाके स्टोर हो जाते हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी फैट फील होने लगती है. अंडरस्टूड दिस वन? इस तरह से हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स का कैसे एनर्जी में कन्वर्जन होता है, व्हाट इज यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद हम लोगों ने देखा व्हाट इज यूज ऑफ प्रोटीन्स एंड हाउ इट इज कन्वर्टेड एंड यूजफुल इन आवर बॉडी, एंड थर्ड वन इज द लिपिड्स, हाउ इट इज यूजफुल इन आवर बॉडी, फैट्स हाउ इट इज यूजफुल इन आवर बॉडी. तो इस तरह से जो भी न्यूट्रिएंट्स थे वो सब हो गए. एंड ऑफ कोर्स द नेक्स्ट वन इज द विटामिंस. विटामिंस आर कंस्ट्रक्टिव पार्ट ऑफ आवर बॉडी, द हार्मोन्स, द अदर थिंग्स, मसल्स, नर्व्स, all are made by the and all are all give the nutrition to our body and our nervous system, so they are very important vitamins also. Just note down this one. Now students, we are discussing about the vitamins in our body. Total 6 types of vitamins are found. And they are vitamin A, B, C, D, and E and K. Vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E and vitamin K. Students, they are also classified into two types. Vitamin A, D, E and K are fat soluble vitamins, whereas vitamin B and C are water soluble vitamins. Okay? Students, vitamins, as I told you earlier, they are very useful for us. They construct, or you can say they do construction work in our body. See here, vitamins, just riboflavin, that is vitamin B2, and nicotinamide, that is vitamin B5. Earlier we have done in glycolysis, that is FADH2 and NADH2. Actually these vitamins are useful to prepare NADH2 and FADH2. Okay students, now these are the role of vitamins in our body. And the next thing is water. Of course, water is very important part of our body. Without water, we cannot survive. Even loss of little water, our body functional get disturbed. Students, in our body total 65-70% of weight is water only. And even in blood plasma, 90% of water is there. So water is very essential component of our food, our organ functioning of system. So water is very important. Along with that, and the very important thing is the fibers. Student, fibers, actually we cannot digest the fiber. Fiber ko hum digest nahi kar sakte, but fiber bahut important cheez hai. Fiber ka kaam kya hai? Actually it help in digestion. To hamare food mein fiber ka hona bahut zyada zaruri hai. It help in digestion as well as ingestion. Ingestion क्या होता है? देखो, जब हम कुछ खाते पीते हैं तो बहुत सारे foods undigested होते हैं. वो undigested food unwanted होते हैं. So it should be out from our body. It should be thrown out through our body. At that situation, these fibers are very helpful to make them out from the body. So fibers are also very important. Along with that, minerals are there. So these things are obtained from the leafy vegetables, from foods, from other food items. So we must do that one. In this way, our food component, whatever is required, that is carbohydrates, fats, proteins, vitamins, water, and fibers, minerals, all are done. Now in the next lecture, we will see about the cell division. Till then, goodbye.
Watch my video, share it with your friends. Have a good day. Thank you.